अरे आप लोग आ गए क्या? नहीं। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। होप करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। तो अभी भाई मैं जा रहा हूँ एक बहुत बढ़िया अपना ट्रैवल पे। ट्रैवल क्या है, एक लाइक मैं शूट पे जा रहा हूँ और शूट के लिए मैं जा रहा हूँ फिलहाल जंगल में। जंगल अपने घर के बहुत ही पास है, ज़्यादा दूर नहीं है और कुछ अराउंड 4-5 किलोमीटर दूर होगा जंगल मेरे घर से। और काफ़ी बढ़िया जंगल है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी गाड़ी में आपको मिलता हूँ मैं दोबारा और रास्ता दिखाता हूँ कहाँ से मैं जाऊँगा और किधर कहाँ तक पहुँचता हूँ। और बहुत बढ़िया जंगल है एकदम, मतलब ज़्यादा देखो ऐसे वाइल्ड लाइफ वाला प्रॉपर भी नहीं है। मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी सीख रहा हूँ आपको भी बता दूँ, और मैं अपना इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो नीचे अभी टैग कर दूँगा, यहाँ लिखा आ रहा होगा देख लेना, तो उस पर जाके मेरे को फॉलो करो। एक तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मेरे देखने के लिए, और बाकी आपको मैं गाड़ी में मिलता हूँ और दिखाता हूँ कहाँ पे जंगल है आपको। चलो मिलते हैं वहीं। तो फिलहाल मैं निकल चुका हूँ भाई अपने शूटिंग के टाइम पर, और बिल्कुल बढ़िया टाइम पर निकला हूँ और मैं चला रहा हूँ गाड़ी। भैया रिस्क वाला काम है, सिंगल रोड है और आगे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं आपको सोच रहा हूँ वहीं जाके मिलता हूँ, तब तक आप थोड़ा बहुत टाइम लैप्स देख लो रास्ते का, कुछ समझ आ जाए तो। मेरे ज़्यादा दूर तो नहीं है मेरे घर से, 4-5 किलोमीटर है, वही 5-10 मिनट लगते हैं, ज़्यादा 5 ही मिनट लगते हैं रास्ते। तो चलो मैं आपको वहीं मिलता हूँ फिर आप जंगल में ना, तब तक आप टाइम लैप्स एंजॉय करो। ओके तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ अपने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लोकेशन पे। वो देखो पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है और आसपास आप देख सकते हैं सारे खेत ही खेत हैं भाई, मस्त मजे आ रहे हैं। और ये इतनी लोकेशन तक गाड़ी आती है, उसके बाद पैदल ही जाना पड़ता है। तो अभी काफ़ी अंदर तक पैदल जाना है और एक कुत्ते को लग रहा है कि मैं पता नहीं कौन आ गया हूँ, तो ये भोंक भोंक रहा है मुझसे। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, खाता नहीं है कोई कुत्ते से, ऐसी वो नहीं है, बस थोड़ा सेफ रहो, ऐसा ना हो पीछे से आके टांग पकड़ ले। तो अभी मैं ये देखो आगे दिखाता हूँ, काफ़ी बढ़िया व्यू है और कहाँ कहाँ से निकल के हमें जाना पड़ता है, अभी दिखाता हूँ। तो भाई आप देख सकते हैं काफ़ी, जैसे कि बहुत ही बढ़िया व्यू है, पीछे से कुत्ते कुत्ते भौंक रहे हैं, इन्हें भौंकने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाचा राम राम, कैसे हो? मज़े आ रहे हैं जी। अरे अंकल मेरे को रोज़ यहीं मिलते हैं आप देखो। अरे मैं थोड़ी सी आगे आ गया, मैं आपको किसी बीच में जाना, इसी में जाता हूँ ना, ये घनी वो गई है इसमें तो। हाँ ये देखो काफी बढ़िया व्यू है, क्या जी? हाँ वो इंटरनेट पे डलती है जी। ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया व्यू है, यहाँ तो सिनेमेटिक शॉट भी निकल सकते हैं भाई। हमारा छोटू दोस्त मिल चुका है हमें, क्या हाल है छोटू? मजे आ रहे हैं? ये यहीं रहता है भाई, इसी के बाग हैं, तो इसके बाग में हम जाएंगे खींच के आएंगे फोटो वीडियो। तो ये उन्हें पूरा जंगल ही बताता है, अब कहो बाग कहो जंगल कहो, है तो एक ही बात ही, सेम होते हैं। कुछ भी ये देखो, और काफ़ी अंदर घूम फिर के जाना पड़ता है आगे जाके। ये देखो अंदर, यहाँ तो जैसे इनकी ये तार वगैरह लगी हुई हैं कांटे वाली, भाई साहब लग जाए ना कपड़े फाड़ देती हैं, एक टी शर्ट फाड़ चुका हूँ अपनी यहाँ। इसके अंदर बहुत मोर हैं, बहुत सारे मोर हैं। और जैसे कि अभी अपना गोल्डन आवर हो रहा है, आप टाइम भी देख सकते हैं, फिलहाल टाइम हो रहा है अप्रोक्सीमेट 6:15 हो रहे होंगे शाम के। हाँ सांस ही चढ़ गई यार, बहुत सामान टांग रखा है। ये देखो ये तो छोटी छोटी चिड़िया बैठी हैं, इनका तो खैर क्या ही कहना, पर अंदर हमें बहुत ही तरीके की चिड़िया भी मिलेंगी, और मोर तो हैं ही यार इनके पास, बहुत मोर हैं यहाँ पर। तो अभी हम बहुत बढ़िया बढ़िया शॉट्स निकालेंगे, थोड़ी बहुत मेरे को चिड़ियों की आवाज़ आए कुछ आपको मैं टाइम लैप्स एंजॉय करवाऊँगा अपने। ओह हट गई है भाई, चल चल के।
हाँ जी, तो भाई अभी आप जैसे कि देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ एक बहुत ही बढ़िया से जंगल में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, ये देखो आप सबको मिल सकते हैं। भाई एक बार सभी हेलो कर दो। हेलो, कैसे हो? बढ़िया हो? मजे आ रहे हैं? यहीं रहते हो? चलो, तो आप देख सकते हैं ये सब बच्चे यहीं पे रहते हैं। बहुत ही इन्होंने मेरे को बहुत घुमाया यहाँ पर, और काफी बढ़िया इनका बाग है, बहुत ही सुंदर सा। मतलब मुझे तो यहाँ आके बहुत मजा आता है और एक सेटिस्फेक्शन सी भी मिलती है काफी बढ़िया। और चारों तरफ भाई हरियाली हरियाली है, कितना बढ़िया खूबसूरत नेचर। और मतलब काफी इंटरेस्ट आता है मतलब मुझे तो इधर आके, और मैं यहीं पे अपनी फोटोग्राफी करता हूँ। पूरा घना सा जंगल है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो भाई फाइनली अब हम निकल गए हैं वापस। बहुत थकावट वगैरह हो गई है, अभी आपने देखा होगा मैं वहाँ से मुंह धोके और पानी पी के निकला था ट्यूबवेल से, और ट्यूबवेल का काफ़ी फ्रेश पानी होता है, बिल्कुल एकदम प्योर। और वो मतलब बिल्कुल फिल्टर से भी मतलब मुझे तो अच्छा लगता है शायद, तो काफ़ी बढ़िया पानी होता है। और अभी मैं जैसा कि वापस अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, तो घर जाके मिलता हूँ। तो जैसे कि मैं घर वापस आ चुका हूँ भाई, और अब मैं जैसे आप देख सकते हैं कि मैं किचन के अंदर घुस चुका हूँ। तो व्लॉग एंड करने से पहले मेरे को बहुत तेज लगाई थी भूख, तो भाई सबसे पहले तो अब हम कुछ बनाएंगे। आज हम आपको कुछ एक हैक दिखाते हैं। हैक मतलब जो कि एक स्नैक्स टाइम पे हम खा सकते हैं। तो आज मैं बना रहा हूँ ये मकैन की फ्राइज, ये मैं लेके आया हूँ पीरी पीरी मकैन फ्राइज। इसको हम प्रॉपर जैसे हमें कैफे वगैरह में मिलती है चीजी फ्राइज, और ये अपना बर्गर किंग की भी मिलती है। तो बर्गर किंग स्टाइल वाली खाने के लिए, या लाइक आप कह सकते हैं फरीदाबाद में मैं जाता हूँ, तो काफ़ी अपने दो तीन जगह हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगा अभी। तो वहाँ पर अपने हमें ये मिलती हैं चीज़ी फ्राइज वगैरह खाने को, तो इतनी महंगी होती हैं फ्राइज। तो आज हम घर पे देखते हैं कितने में हमारी बनती हैं। तो लेट्स ट्राई इट, और चलिए शुरू करते हैं। चलो चलो चलो। तो जिवें कि तुसीं देख सकते हो साडी कढ़ाई गैस ते चढ़ चुकी है, ते हुण बारी है गैस नूं जलाण दी। साडा गैस जल चुका है, आ तुसीं देख सकते हो। ते हुण असीं इहदे विच रिफाइंड पावांगे, ते तुहाडे कोल जिहड़ा मर्जी तेल होवे तुसीं ओह पा सकते हो। देसी घिओ बनाना चाहो देसी घिओ बना सकते हो, ते असीं तां महाराज रिफाइंड यूज कर रहे हैं। रिफाइंड हमने डाल के रखा है ग्लूकोज के साथ मिलने वाली बोतलों में, और हमने इसको डीप फ्राई करना है। तो हमने बड़ा सारा बहुत सारा मतलब जिसको कहते हैं वो रिफाइंड डाल लिया है। तो रिफाइंड हमारा जैसे ही गर्म होगा, फिर हम मकैन के जो मसाला फ्राइज हम लेके आए हैं पीरी पीरी, ये आप देख सकते हैं, हम इनको इसके अंदर डाल देंगे। तो तेल गर्म होने के बाद आपको जैसे कि तुम देख सकते हो साडा तेल गर्म हो चुके हैं। एक बार ऐसे टेस्ट कर लेने हैं। टेस्ट करने के लिए हम सबसे पहले एक यानी कि फ्राइज लेंगे, और इसको हम इसमें सीटेंगे और देखते हैं कि ये जल्दी जल्दी से फ्राई होता है कि नहीं होता है। जैसा कि ये हवा में उड़ के ऊपर ऊपर सा आ चुका है, लगता है तेल हमारा गर्म हो चुका है। और तेल गर्म होने के साथ एक सेकंड लिए जरा मैं चिमनी को बंद कर देता हूँ, काफी सो रहा था भाई। तो हमारा तेल हो चुका है भाई गर्म, एक आधा और डाल के इसको हम टेस्ट करते हैं। और इसको हम कह सकते हैं ये 5 मिनट्स है भाई। शाम को किसी को रोटी रोटी ना खानी हो, भूख लग रही हो बड़ी जोर से, और बाहर ना जा सके, जैसा कि अभी भी लॉकडाउन कुछ चल रहा है लगभग, तो क्यों ना हम घर पे कुछ तबाही मचा पाए भाई, बहुत तो स्वाद मजा आएगा। हमारी ये जो फ्राई है ये बन के तैयार हो चुके हैं, बहुत आराम से टूट रहे हैं। मैं एक आधा खा के देखता हूँ भाई, बहुत स्वाद है क्योंकि ऑलरेडी रेडी मिक्स है यार। बड़ी गर्म है, और इतनी गर्मी में बना रहा हूँ ना मैं, पसीने पसीने हो चुका हूँ आजकल। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, क्या बताऊँ मैं आपको, बुढ़ पड़ के हाथ में आई पड़ी भाई। और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन, इसको हम हाई फ्लेम पे बना रहे हैं भाई, ताकि ये काफ़ी क्रिस्पी और एकदम ऐसे कुरकुरे से स्वाद सा आ जाए, और गोल्डन गोल्डन हमने इसको करना है। और ये अभी जो थे ये फ्रोजन नहीं थे ये, क्योंकि मैंने बाहर रख दिए थे रूम टेम्परेचर पे, तो ये कुछ गीले गीले से हो गए थे भाई, तो मेरे को बनाने में थोड़ा इजी हो रहा है इसको। तो आओ मैं अब आपको पूरे बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। हमारी फ्राइज जो है वो प्लेट के अंदर आ चुकी है। अब बारी है ये है अमूल की चीज प्लेट। चीज प्लेट को हम जल्दी से निकल गया भाई, जल्दी से हम इसके अंदर डाल लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके अंदर हम मिलाएंगे ये अपना जो चिली गार्लिक या पास्ता सॉस जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ये शायद पास्ता सॉस है मेरे हिसाब से।
तो इसको हम इसके अंदर एक स्पून मिलाएंगे और इसको हम माइक्रोवेव में घुमा देंगे गाइस। माइक्रोवेव में घुमाने के बाद ये मेल्ट हो जाएगा जैसे कि ये चीज़ है, और ये स्प्रेड लिक्विड चीज़ जो है चीज़ स्प्रेड, तो मेल्ट करके हम इसके ऊपर इसको स्प्रेड करेंगे और फिर जल्दी से खाएंगे। अभी देख सकते हैं हमारी जो चीज़ स्प्रेड है वो हम मेल्ट कर चुके हैं, तो अब बारी है इसको इसके ऊपर डालने की यानी गार्निश करने की। तो अब मैं इसको भाई साहब इसके ऊपर डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से, ये आपको कैफे वगैरह में मिलती हैं, तो वो थोड़ा और लिक्विड चीज़ होता है वो मेरे ख्याल से बनाते हैं। जो चीज़ सॉस आती है वो भी मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन मैंने उसके अंदर अपना जो चिली गार्लिक जो भी हमारे पास पास्ता सॉस या चिली गार्लिक सॉस थी वो इसके अंदर नहीं मिलाई, तो मैं उसको अलग से डालूंगा वाइट कलर की। उसके अंदर ना ओरिगैनो वगैरह मिक्स आते हैं गाइस, तो वो भी बहुत बढ़िया है, वो भी अमूल की है। तो जैसे कि मैं ये सारी की सारी इसके ऊपर डाल चुका हूँ और बहुत मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। तो आप देख सकते हैं अब बारी है इस अमूल चीज को इसके ऊपर डालने की, चीज सॉस जैसा कि इसके ऊपर लिखा ही हुआ है। तो अब मैं इसको इसके ऊपर ज़िगज़ैग स्प्रेड करता हूँ। ओ भाई साहब, ओपी भाई, मजा आ गया। तो भाई देखने में तो बहुत ही लाजवाब लग रही है, आओ इसको टेस्ट करके बताते हैं आपको कि कैसी। खाओ पियो ऐश करो मित्रो, दिल पार किसे दा दुखायो ना। भाई मुझसे रहा नहीं जा रहा, इतनी ज्यादा टेस्टी लग रही है ना, देखो आप कितनी ज्यादा डिलीशियस है, और मैं यहीं पे आपको खा के बता रहा हूँ। ओ भाई अल्टीमेट है, बनाने में मेरे को बस 5 मिनट लगे हैं, मतलब कैफे वगैरह सब फेड है इसके आगे। घर पे बना दी भाई आप, तो ये हैक जो बनाया ना, एक्सपेरिमेंट ही करा था ना, मैंने पहली बार बनाई है ऐसे। मैं इंजॉय कर रहा हूँ, वो करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप भी घर पर ट्राई करो, खाओ पियो, मेरे को क्या देख रहे हो खाते हो। आज वाली वीडियो इंजॉय करो, वीडियो को एंजॉय कर ही लिया, खुद बना के भी देखो, और भाई कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो, और इसी के साथ लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। आजकल वैसे भी यूट्यूब ने बहुत अपने चेंज कर दिया रूल्स एंड रेगुलेशन, तो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।